नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोलफील मिरर, हर पल आपके साथ। हाजी मोहम्मद साबिर हुसैन। अच्छा, क्या मसाइल आपके इलाके में? मसाइल ये है कि कोई गाड़ी वाला आना नहीं चाहता, रोड का रिपेयरिंग सही नहीं है, पानी नहीं मिल रहा है, इसके लेकर के बहुत ज्यादा। कौन सा रोड है? रोड का क्या नाम है? मिर्जा गालिब रोड, राजाबाग। इसके लेकर काउंसलर साहब लोगों ने कुछ कहा? काउंसलर साहब को भी बोला है और ये भी सुनने मिला है कि टेंडर हुआ, कब होगा, कब काम होगा, इसके बारे में हमको इल्म नहीं। और पानी उन्हीं ठीक आ रहा है? पानी एकदम नहीं है कतई। एक ठो लाइन में अभी जैसे अभी मान लिया गया रोड बनेगा भी तो एक ठो एरिया पूरा मैंने खाली पड़ा हुआ जिसमें नल बैठे ही नहीं, पाइप बैठे ही नहीं है, तो नल लगेगा कैसे? अब 20,000-25,000 रुपये लगा के कौन करेगा भाई नल का? ये तो प्रॉब्लम है। तो इसको अगर पूरा पाइप सही ढंग से बैठा दे, इतना छोटा पतला सा पाइप बिठाया हुआ उसमें 2500 कनेक्शन है, पानी कहाँ से मिलेगा हम लोग को? तो यही देखकर के हम लोग बहुत। साफ सफाई कैसा है आपके इलाके में? साफ सफाई का मामला में फिलहाल तो ठीक है, लेकिन ये एरिया एकदम बिल्कुल डैमेज एरिया है, एकदम डैमेज एरिया। मिर्जा गालिब रोड एकदम बिल्कुल डैमेज एरिया हो गया है। वार्ड है ना? हाँ, 89 वार्ड से हम बोल रहे हैं। मोहम्मद मोहसिन। काउंसलर कौन है आपका? काउंसलर आरिफ जलील है। अच्छा, आरिफ जलील। प्रॉब्लम क्या आपका वार्ड में बताइए? प्रॉब्लम यही है कि हम लोग का जब से काम मैंने इधर में 2-3 साल से कोई काम नहीं हो रहा है वार्ड में। कोई गाड़ी आने वाला नहीं खोज रहा, रास्ता पूरा खराब हो चुका है समझे, और नाली तो वो मैंने वो बात सुनता नहीं। हम कितना बार आलिस जलील को बोले, यहाँ का वार्ड कमिश्नर को, वो भी नहीं ध्यान दिया, बोला कि हो जाएगा, नहीं हुआ। नाम क्या हुआ आपका? अच्छा, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है कि उधर का नली का पानी सब आके अंगना में डूब जा रहा है, कितना गंदगी है देखिए। काउंसलर कौन हुआ आपका? आरिफ जलील है, समझे हम लोग का काउंसलर। और बहुत हम लोग का परेशानी है समझे, नली का पानी का बहुत समझे, नल का एक नली का पानी आने से एकदम पूरा किचन हो जा रहा है अंगना एकदम। बस पानी का ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा पानी दे, झगड़ा हो रहा है सबसे समझे, दो बर्तन करके सबका घर में इतना पर देखी आदमी नहीं सबका, और समझे खुल रहा है नहीं सही से कल, और खोल रहा है फिर तो समझे कि तुरंत एकदम संग संग बंद कर दे रहा है। हम लोग एक मास को गए थे म्यूनसिपलिटी समझे, 10-12 औरत मिल के जाके वहाँ दरखास्त लिखा के दिए थे, मगर कोई नहीं उसी ये कर रहे हैं समझे। तो बोलिए हम लोग का महमाडन का औरत लोग से सबसे मारपीट झगड़ा लड़ाई सब हो जा रहा है, बोलिए पानी का चलते। और फिर वो महल